नमस्कार, तीसरी नज़र डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दरअसल अभी हम झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में हैं और यहाँ से आप लोगों को एक दृश्य दिखलाने वाले हैं। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी कई आदिवासी बहुल गांवों की स्थिति दयनीय है। इसी का एक नमूना आपको हम दिखाने वाले हैं। अभी हम तीसरी पंचायत में हैं और यह तीसरी पंचायत का जीनाडी गाँव है। जीनाडी का नीचे टोला गाँव है। तकरीबन 150 की आबादी है इस गाँव में और गांव जाने के लिए रास्ता नहीं है। बीच में यह नदी पड़ती है, जरा दिखाइए, बीच में यह नदी पड़ती है और अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी तो नदी में पूरी तरह से पानी भर चुकी है। अब उस और गांव है और बीच में नदी और इस और सड़क है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग बीच में नदी है तो पैदल ही इन लोगों को आर पार होना पड़ता है। इस दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती है, जिसके कारण इन्हें लोगों को खाट में डालकर नदी के उस पार पहुंचाना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। जरा आइएगा, इधर आगे जाएंगे तो हम ही भीग जाएंगे। आइए, क्या नाम हुआ? बिसुन मरंडी। यही घर है आपका? हाँ, यही है। रास्ता नहीं है जाने रास्ता के लिए? आने जाने का हम लोग बहुत दिक्कत। भेड़ बकरी जितना वो सब भी बह जाता है नदी में। हम लोग आने जाने में इतना दिक्कत मत पूछ। हाँ। लेकिन फिर हम लोग किसी तरह यहाँ पुल बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहता। तो कोई नेता होता जी ध्यान दिए? ध्यान एक बार कोई किसी को नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता। कितना हम लोग बहुत बार हम लोग बोलता है कि बोल वोट इसमें दो तो हम लोग बना देंगे, क्या करेंगे, लेकिन कहाँ वो सब जीत जाता है तो फिर भी भाग जाता है। जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं आता। देखिए वही हम लोग को किसी तरह यहाँ बन जाएगा तो बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबूलाल मरांडी है। क्या समस्या है? समस्या देखिए, बारिश 3 दिन बारिश हुआ, इतना पानी भर गया, गिट्टी भी यही देखिए गिट्टी भी इधर में गिरा दिए ना रोड की वजह से। पुल यहाँ पे अगर होता तो हम लोग वहीं पे गिरा देते गिट्टी, और आबो हवा सावा है तो हम लोग को बनाने में बहुत सा तकलीफ होता है, और यहाँ से जानवर को ले जाने में दिक्कत होता है, और बीमार आदमी को ले जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है हम लोग के पास। गिट्टी कहाँ घर बनवाने के लिए? हाँ, आबो आवास आया है तो घर बनाने के लिए दिया है। हाँ। तो यहाँ से कैसे ले जाएं, इसके लिए हम लोग इधर में गिरा दिए हैं, गिट्टी बालू है सब। अच्छा, गिट्टी बालू इधर ही गिरा दिए। अभी पानी कम होगा तो फिर माथा पे ढो के उधर ले जाइएगा। तो यह स्थिति है यहाँ के लोगों की, परेशानी आप समझ सकते हैं कि इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जरा इधर आओ चाची है। की नाम होले? ढेनी टुडू। कितना दिक्कत हो रहा है पानिया भरे से? बहुत दिक्कत है पानिया, बरसाती दिन में जो जला वाला के बहुत परेशान, पार होने के बहुत दिक्कत। तार कहीं इधर से रास्ता ना है? रास्ता भी ना है, ये रास्ता है। बड़ी दिक्कत है ना। तो दिक्कत है स्कूल बच्चे को भेजने के लिए दिक्कत है। देखिए जब बारिश होता है तो बच्चे सब का एब्सेंट हो जाता है, फिर स्कूल नहीं जा पाते है। हाँ, अब इतनी पानी में जाएंगे तो बहने का भी डर है। तो यह समस्या है यहाँ के ग्रामीणों को, किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक इन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ तीसरी पंचायत के मुखिया जी हैं, किशोरी साहू जी हैं, तो इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कैसा स्थिति है यहाँ का। देखिए अभी जो है कंटिन्यूस 3 दिन लगातार बारिश होने के बावजूद अभी जो है एक व्यक्ति का घर गिर गया है, जो हमको भी आने में खुद काफ़ी परेशानी हुई, और बहुत मकसद के बाद जो है इनके घर में हम गाड़ी कहीं दूर में ही खड़ा करके हाफ किलोमीटर पैदल चल करके इनका घर में आकर के जो है सो जायजा लिए। और ये निश्चित तौर पर है कि इन लोगों को आवागमन में बराबर काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि बीच में एक नदी है और बारिश होने के बाद जो है इस नदी से आर पार होना बहुत मुश्किल है। यहाँ के जो है बच्चे लोग भी स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि लोगों का भयभीत भय बना हुआ रहता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर हमारे बच्चा जो है उधर ही फंस के रह जाएगा। तो ये है, रोड का स्थिति दयनीय है, और यहाँ जो है झारखंड सरकार और नहीं तो यह केंद्र सरकार के इस पुल पुलिया पर लोगों का नज़र नहीं आ रहा। हमने बराबर इस विषय पर जो है मुद्दा उठा भी रहे हैं, लिख करके भी दिए हुए हैं, और ये बहुत प्रयास है मेरा कि झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो इस पर जो है पहल करे, ताकि यह 150 गाँव
के जो आबादी है उसमें जो है इन लोग कम से कम इस रोड से आवागमन रोड बन जाए, पुल पुलिया बन जाए ताकि आवागमन में इन लोग को सुविधा हो, इसके बाल बच्चे को जो है सुरक्षित और मतलब जो है स्कूल जाने में सुरक्षा दृष्टिकोण से जाए और मतलब जो है शिक्षा का अति ग्रहण करें, है ना। तो प्रखंड मुख्यालय से कितना दूरी है यहाँ? 2.5 किलोमीटर दूरी है और यहाँ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है और सेविका जो है नदी के उस पार है, पन्नाटांड की ही रहने वाली है, उनको भी आने जाने में जो है बारिश होने के बाद उनका भी आना जाना जो है बंद हो जाता है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित नहीं हो पाता है क्योंकि वो सहायिका जो है सहायिका के भरोसे में ही आंगनबाड़ी चलता है। तो जैसा कि यहाँ के ग्रामीण है इन्हें तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो सरकारी कर्मी आंगनबाड़ी सेविका है या फिर अभी मुखिया जी आए खुद तो इन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्हें पैदल ही आप देख सकते हैं नदी पार करके उस ओर जाना पड़ा। तो यह स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं कि मुखिया जी भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह मुखिया फंड से होने लायक है नहीं, इसमें और ज्यादा बजट है। और भी हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं या फिर झारखंड सरकार, इनसे हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ कम से कम एक पुलिया बनाई जाए ताकि इन लोगों की को सुविधा हो सके।